निशान भाई और आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज पर। जैसा कि मैं आपके सामने जब भी आता हूं तब एक नया विषय लेकर आता हूं। आज भी आपके सामने एक नया विषय लेकर आया हूं। महाराष्ट्र राज्य की विधानसभा की राजनीति गर्मा गई है। आखिर गर्माना भी चाहिए क्योंकि विधानसभा के चुनाव जो लग पड़े हैं। महाराष्ट्र सरकार के विधानसभा के चुनाव की आगामी तैयारियां शुरू हो चुकी है, जिसके चलते आज हर विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय विधायक अपने कामों को लेकर बहुत सक्रियता से नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसी ही सक्रियता यह क्या वो पिछले 5 वर्ष बना पाए हैं? क्या महज विधानसभा के चुनाव के दौरान ही इन लोगों ने अपनी सक्रियता दिखाई है? इसी का जानने का प्रयास किया है हमारी टीम ने। अब बात करते हैं यहाँ के विदर्भ के ही विधायक जो है 62 नंबर के विधानसभा सीट के बाड़ा काशीवार जो कि साकोली विधानसभा क्षेत्र के विधायक है। इनके कुछ गांवों का हमने जायजा लिया है, जिसमें कनाड़ गांव, मड़ेघाट और सोनी, यह तीनों गांव लाखांदूर तहसील के तहत आने वाले गांव। इन गांवों में हमने क्या देखा, आइए आपको दिखाते हैं हम कनाड़ गांव में क्या हुआ और जनता का क्या है कहना। भंडारा ज़िले का यह गांव है जिसके 62 नंबर की विधानसभा बाड़ा काशीवार का जो गांव है ये उस विधानसभा क्षेत्र में आने वाला कनाड़ गांव करके है और ये लाखांदूर तालुका से महज 10 किलोमीटर दूर गांव है। अब हम इस गांव में पहुंचे हैं। यहां के जो स्थानीय विधायक है बाड़ा काशीवार, जिनको भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवारी मिली थी और उन्होंने इस क्षेत्र का पिछले 5 वर्षों में योगदान क्या रहा, इस क्षेत्र का विकासात्मक काम क्या रहा, उस बारे में हम जानने का लोगों से प्रयास कर रहे हैं। मेरे साथ कई, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, कई गांव वाले जुड़े हैं। मैं इनसे भी कुछ सवाल करूंगा और उसके जवाब आप ही के सामने आएंगे। क्या नाम है आपका? नारायण शकाराम तलमले। तलमले जी, मेरे को बताइए, बाड़ा काशीवार जो इस विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक है, उन्होंने इस गांव के विकासात्मक कार्य में क्या क्या किया? जैसे सड़कें बनी, नालियां बनी, स्कूल कॉलेजेस हो गया, या फिर यहां बस वगैरह की सुविधा वगैरह, कुछ ऐसा कुछ किया हो तो वो बताइए आप। नहीं, सड़कें वगैरह बोल किस नहीं है। क्या नाम है आपका? ज्ञानेश्वर जी, बाड़ा काशीवार जो है वो यहाँ के विधायक है, तो उनके कामों के बारे में आप कुछ बताइए। जैसे यहाँ सड़कें वगैरह बनी है कुछ? नहीं जी। नालियाँ वगैरह? नहीं बनी। अच्छा, यहाँ बस वगैरह आती है इस गांव में? नहीं। अच्छा, आपने कभी विधायक से पूछा कि बस वगैरह की कोई व्यवस्था कर दे करके? नहीं पूछा, मगर आते ही नहीं तो किसको पूछे आपके गाँव में। अच्छा, फिर आपको यहाँ से जाने के लिए, जैसा अभी आपको लाखांदूर वगैरह जाना है, तो आप कैसे करते हैं? साइकिल से जाना पड़ता है। अच्छा, और स्वास्थ्य सेवा के इसमें, जैसा यहाँ किसी की तबीयत वगैरह खराब हो जाए गांव में, या किसी के कुछ ये हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में क्या व्यवस्था है? लखनदूर में, लखनदूर से गाड़ी बुलाना पड़ता, नहीं तो फटपटी पे लेके जाना पड़ता। अच्छा, यानी आप मोटरसाइकिल से ही पेशेंट को ले जा लेते हैं या फिर उधर से एम्बुलेंस वगैरह बुला लेते हैं? यानी काफ़ी असुविधा है इस गाँव में, है ना? क्या नाम है आपका? रामदास शाह। शाहरे जी, मुझे बताइए, यहाँ जो स्थानीय विकास निधि के अंतर्गत कुछ काम किए गए हैं आमदार के? अभी 5 साल हो गए हैं आमदार को। हाँ, आमदार को पता से नहीं। अच्छा। हाँ, अभी अभी चुनाव है तो आमदार आ रहे हैं। हाँ। अच्छा, आप आपने आपने इसके पहले 5 साल पहले उनको देखा है? देखा से नहीं ना, बाड़ा काशीवार को आपने? अभी उद्घाटन किया वो काम का अभी। अच्छा, अभी काम का नया उद्घाटन किया? अच्छा, उसके पहले तो आए ही नहीं वो। अच्छा, पिछले 4-5 साल में वो कभी नहीं आए थे? नहीं है। अच्छा, तो उन्होंने, यानी आपको लगता है कि वो अभी चुनाव आए हैं? हाँ। इस वजह से उन्होंने ये अभी उद्घाटन वगैरह किया? हाँ, है किया है। अच्छा। जो सुविधा है, जो आमदार है हमारा बाड़ा काशीवार है, वो लाखांदूर में जो हम पेशेंट लाना पड़ता है वहाँ पे, वो कोई सुविधा नहीं वहाँ पे भी, कोई सुविधा नहीं। यहाँ से हमारा गाँव क्या पिछला गाँव है पूरा। अच्छा, वो लक्ष्य देते नहीं। अच्छा, वो ध्यान नहीं देते? ध्यान नहीं देते। क्या नाम है आपका? सिद्धार्थ गजबे। गजबे जी, मुझे एक बात बताइए, आप उनके कामों से खुश है कि ना खुश है? विधायक के ना खुश है। ना खुश है। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ कितने लोगों को अभी जो रोजगार के लिए जो मजदूर वर्ग होता है उन्हें पेटियाँ वगैरह मिली है? हाँ। तो जो एक्चुअली मजदूर है उनको मिली नहीं है, और जो मजदूर नहीं है ऐसे लोगों को मिली है, ऐसी हमारी जानकारी अभी हमको प्राप्त हुई। तो ऐसा है क्या आपके गाँव में कुछ? है ना, है ऐसा है। अभी कितनी पेटियाँ आपके गाँव में मिली है? अभी मिले है 2-4, 10 पेटी मिले है। अच्छा, तो वो मजदूर लोग नहीं है? नहीं है, फिर भी उनको मिली है? फिर भी उनको मिली है। अच्छा, यानी आपको लगता है कि ये जो योजनाएं जो सरकार की तरफ से जो चलाई जाती है? हाँ। वो योजनाएं वास्तविकता में लोगों को नहीं मिल पाती? नहीं मिल पाती। अच्छा, आपके गांव में घरकुल वगैरह कितने लोगों को? घरकुल नहीं, घरकुल तो
अच्छा, घरकुल आपके गांव में नहीं, घरकुल नहीं मिले, वो भी समझ को एक घरकुल नहीं मिला। अच्छा, आपके गांव में मुझे एक बात बताइए, रोजगार हमी के काम कितने दिन चले? रोजगार में एक हफ्ता हो गया काम खत्म, यानी पिछली एक महीना चला। अच्छा, एक महीना तो क्या तो 30 दिन काम चले। जैसा कि पिछली जो सरकार थी तो उसने 100 दिन का वादा किया था, लेकिन ये वाली सरकार ने 30 ही दिन काम दिया है। 30 दिन काम दिया है। अच्छा, यानी आप इस सरकार के कामों के वजह से नाखुश है। अच्छा, विधायक आपको सक्रिय लगते कि नहीं? नहीं नहीं, सक्रिय नहीं है। सक्रिय नहीं, नहीं है। तो ये थे लोग कनाड़ गांव के जिनसे हमने अभी चर्चा की है। लगभग सारे लोगों का उदासीनता विधायक का जो इस विकासात्मक कार्य जो होते हैं विधायक के तरफ से, वो सारे काम जो है वो विधायक अपनी जिम्मेदारियां नहीं पूरी कर सके, ऐसा इनके गांव वालों का कहना हुआ है। एक भाई साहब ने तो हमें बताया कि हाल ही में अभी चुनाव आ रहे हैं करके उन्होंने कोई रोड का उद्घाटन वगैरह किया हुआ है, ऐसा भी हमें जानकारी इसी गांव के लोगों ने दी हुई है। मैं कैमरामैन नीलेश पश्चिम के साथ निशांत भाई। कनाड़ गांव में आपने जिस प्रकार से देखा वही हाल मड़ेघाट में भी देखने को मिला। आइए देखते हैं मड़ेघाट में क्या हुआ। भंडारा जिले के लाखनदूर तहसील के नजदीक मड़ेघाट करके ग्राम है यह। यह भी 62 नंबर की जो बाड़ा काशीवार की विधानसभा क्षेत्र का ही इलाका है। इस गांव में हम अभी पहुंचे हैं, यहां जानने का हम लोगों से प्रयास करेंगे कि कितने लोगों को यहां रोजगार मिला है और क्या क्या योजनाओं के तहत इस सरकार ने यहां के लोगों को मुहैया कराई है, इस जानने का भी हम लोगों से प्रयास करेंगे। हाँ, मेरे साथ जुड़े हुए विनोद जांबुड़कर जी, वो इसी गांव के निवासी है। आपके गांव में सड़कें वगैरह बड़ी हैं बराबर? नहीं दादा, ये तो पूरे खराब ही है, गड्ढे। अच्छा, गड्ढे गड्ढे ही हैं सड़कों पर। यहाँ की नालियाँ वगैरह जो है पूरे वो गंदगी है, वो भी गंदगी से भरी हुई है। अच्छा, आप मुझे बताइए कि पिछले 5 वर्षों में बाड़ा का शिवार आपके गांव में कितनी दफा है? एक ही बार नहीं है, एक ही बार आए हैं आपके गांव में। अच्छा, आपने कभी उनको किसी कार्यक्रम में बुलाया वगैरह गांव में? कैसा कोई बुलाए तो भी नहीं है, बुलाए तो भी नहीं आए थे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपके गांव में कितना रोजगार हमी के काम चल पाए थे? कि 8 दिन चले। 8 दिन चले हैं। अच्छा, पिछली जो सरकार थी उसने 100 दिन का वादा किया था, ये सरकार 8 ही दिन काम चला पा रही, तो आप इस सरकार के कामों से खुश है कि ना खुश है? ना खुश है, ना खुश है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अभी हमें कल ही पता चला कि लोगों को मजदूर जो होते हैं जो बिल्डिंग वगैरह के कंस्ट्रक्शन के कामों में जाते हैं, ऐसे लोगों को कुछ साहित्य यानी पेटी दी जा रही है जिसमें उनके ज़रूरत की सामान होते हैं, तो ऐसे कोई कितने लोग हैं आपके गांव में जो मजदूर ना होते भी उनको साहित्य मिला हुआ है? मजदूर होते हुए ना होते हुए तो 25-50 के आसपास हमारे गाँव में मिली हुई है। अच्छा, पेटियाँ मिली हुई है। हाँ। अच्छा, जो ज़रूरतमंद है उन्हें नहीं मिली है? हाँ, जिन्होंने फार्म भरे उनको मिली है, जिन्होंने नहीं भरे उनको मिली हुई है। अच्छा, क्या नाम है आपका? तुम जांबुड़कर। जांबुड़कर जी, बताइए रोजगार के क्या साधन है आपके गांव में? कुछ तो नहीं दिखा जी, कुछ नहीं, सब नहीं। आपके गांव में खेती बाड़ी ही करते हैं? खेती फेती। अच्छा, तो खेती के ही 3 महीने जो काम चलेंगे उसी में रोजगार है? अच्छा, और आपके गाँव में अब लगभग कितने लोग बेरोजगार है? पूरा गाँव ही बेरोजगार है। अच्छा, आप बाड़ा काशीवार के कामों से खुश है कि ना खुश है? ना खुश है ना, ना खुश है। जैसा कि देखा आपने, इस गांव में काफ़ी असुविधाएं है और यह सुविधाएं जो है वो सरकार और यहां के जो स्थानीय विधायक है वो गांव वालों की जो समस्याएं है वो सुलझाने में नाकाम रहे हैं। मैं कैमरामैन नीलेश पश्चिम के साथ निशांत भाई। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का, ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरें, और बने रहिए MNS न्यूज के साथ। कोलगेट मैक्स फ्रेश में है अनोखे कूलिंग क्रिस्टल जो करे ताजगी का धमाका माका। एक ताजगी सी चली है हवाओं में, कुछ बदला बदला सा है फिजाओं में। ये दिन है मेरा, ये दिन है तेरा, हमारा है समा। Max Fresh, ताजगी का धमाका।